ने बुधवार को दो बड़े खुलासे किए। एक तरफ जहां एक नाबालिग लड़की के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ 5 लाख मूल्य की टायर और पिकअप वैन चुराने वाले चोर को भी गिरफ्तार किया गया। कैसे हुआ खुलासा और कैसे पकड़ा गया, देखिए एक रिपोर्ट। चार अपराधी पहली नजर में आपको मासूम लग सकते हैं, लेकिन इनके अपराध रूह कपा देने वाले हैं। इन्होंने सिल्ली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण किया, फिर हत्या की और लाश को बुरुडी पहाड़ी पर छिपा दिया। इन चारों अपराधियों में से एक मृतका का प्रेमी भी है। अपराधियों की निशानदेही पर 21 दिनों के बाद लड़की की सड़ी गली लाश पुलिस ने बरामद की। लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। करमपाल तो पहले ही एक दिन पहले पकड़ा गया था। इसके सहयोग में, जो हत्या करने के सहयोग में, वहां से ले जाने के सहयोग में थे कार्तिक मुंडा, लखिंदर लोहरा और राहुल मुंडा। चार लोगों को डिटेन किया गया। सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये ऐसी घटना हुई है, और इनके इकबालिया बयान के आधार पर ही वहाँ से डेड बॉडी हम लोगों ने बरामद किया है, जिसका पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज चुके हैं। आगे की जो विधिवत कार्रवाई होती है वो सब की जा रही। और ये दूसरा अपराधी शायद परिस्थितियों ने इससे अपराधी बना दिया, क्योंकि ये जहाँ काम करता था उसके मालिक ने उसे 2 माह का वेतन नहीं दिया। पुलिस नौकर ने उसके 5 लाख रुपए मूल्य के टायर के साथ पिकअप वैन की चोरी कर ली। पुलिस ने उस लड़के को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया। कहना था कि कोरोना पीरियड में इनका जो पेमेंट होना था, जो मिलना था, वो पेमेंट इनको नहीं मिल पाया था। मालिक ने इनका पैसा बकाया रखा था। घर परिवार में इनको परेशानी, दिक्कत हो रही थी, बच्चों के लालन पालन में परेशानी हो रही थी। तो इसने, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इसके दिमाग में नहीं आया और इसने ये गलती कर बैठा। पुलिस हत्या के 2 अपराधियों की तलाश कर रही है और बाकी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। News 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।